अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ। जैसे पता है कि आपने लास्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 एंड की थी। अब हमने आगे मूव होना है। जो आज की आपके पास एक्सरसाइज है वो आपके पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपके पास 4x + 3y - 2 इज़ अ अलजेब्रिक, क्या है ये आपके पास इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, सेंटेंस है या फिर इन इक्वेशन है। तो देखें, अगर ये इक्वल टू 0 होता ना तो आपके पास क्या बन जाती, इक्वेशन बन जाती। लेकिन ये क्या लिखा है, 4x + 3y - 2 इज एन अलजेब्रिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है, ये आपके पास क्या है, एक्सप्रेशन है। ये थे इसका फर्स्ट एमसीक्यूज। जो जो एमसीक्यूज सॉल्व करवाने वाले होंगे हम उनको साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। सेकेंड है आपके पास दी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x^4 + 2x² y - फर्स्ट ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन 1 है, बी ऑप्शन 2 है, सी ऑप्शन 3 है और डी ऑप्शन क्या है, 4 है। तो आप देखें इसमें जो हाईएस्ट पावर बन रही है x की वो क्या बन रही है, 4 बन रही है। तो आपके पास डिग्री क्या होगी, 4 होगी, यानी कि ऑप्शन डी। देन आपके पास थर्ड इसका एमसीक्यूज है, a³ + b³ इज इक्वल टू। तो आपको पता है कि आपके पास फार्मूला होता है, हम लिख लेते हैं। अभी आपको मैंने याद भी करवाया जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, a³ + b³। तो आपके पास क्या होता है, a+b। देखें बेटा यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पे a² - ab + b² रह गई, इसका क्या बचे, फार्मूला है। तो आपके पास जो सा ऑप्शन लिए तो आपने वही क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखें बेटा, इसका ऑप्शन नंबर जो ए आपके पास क्या है, a² + ab + b², ऑप्शन बी आपके पास a + b² - ab + b². तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, लगा लें। सी ऑप्शन आपके पास a² - ab + b², a² + ab - b². जी मोहम्मद कासिम अवान, क्या क्वेश्चन है आपका, बोलें। सर फर्स्ट वाला क्या था? बेटा फर्स्ट आपके पास एक्सप्रेशन है, ए ऑप्शन है उसका, ठीक है। फर्स्ट वाले एमसीक्यू का ए ऑप्शन है कि वो एक्सप्रेशन है आपके पास, ठीक है। और जो सेकंड है उसका डी ऑप्शन है, थर्ड का आपके पास बी ऑप्शन है। अब फोर्थ है, 3+√2 × 2, 3 - √2 इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल होता है बच्चे, हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है 3+√2 × 3 - √2। तो आप सिंप्लीफाई कर लें बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर का जगह, 3 × क्या होगा, 3 - √2 + √2 × 3 - √2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 ज़रा बच्चे 9 हो गया, -3√2 + 3√2 और ±√2 के क्या आ गए बच्चे, स्केयर आ गए। देखें 1 और 1 कितने हो गए, अंदर बेटा स्केयर आ गया, बाहर नहीं आ गया, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, तो क्या आ गया, स्केयर आ गया, ठीक है। या बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो रहे हो ना, √2 × √2, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, 2 × 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, √2 का क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, जैसे मैंने इधर लिख दिया। अब बेटा देखिए, ये -3√2 का ये कैंसिल आउट हो गया, +3√2 से ये क्या रह गया आपके पास, फर्स्ट 9 - 2, तो आपके पास क्या सोल्यूशन आ गया, 7 इसका क्या आ गया बच्चे, आपके पास इसका आंसर आ गया। अगर मैं इसकी करेक्ट ऑप्शन देखूँ तो आपके पास इधर ए बन रहा है। देन आपके पास क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट ऑफ सूट्स a + √b। तो आपको पता है जब आप कॉन्जुगेट फाइंड करते हो, अगर इसके रूट के साथ पॉजिटिव साइन होता है तो आप नेगेटिव डाल देते हो, अगर नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव डाल देते हो। अब बीच में आपके पास पॉजिटिव साइन है तो आप क्या कर दोगे, नेगेटिव डाल दोगे। तो इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, a - √b। देन आपके पास इसका बच्चे 6 पार्ट है कि आपने 1/a - b - 1/a + b इज इक्वल टू, ये वो किसकी इक्वल होता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 6 है जो आपके पास, पार्ट 6 है आपके पास बच्चे,
वन डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस वन डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। हम इसको स्क्वायर रूट का ले लेते हैं। देखिए बच्चे ऊपर नीचे दोनों क्या आ जाएंगे, आपके पास दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट होना तो दोनों वैल्यू आपके पास क्या आ जाती होती हैं, एलसीएम आ जाती है, और ऊपर क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब दोनों वैल्यूज एलसीएम ले लें और ऊपर क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास हो गया, तो आपके पास क्या होगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू माइनस ए माइनस बी। तो दोनों क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी डिवाइडेड बाय ए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ऊपर देखें पॉजिटिव का ए है और नेगेटिव का ए कैंसिल आउट हो गया, एक और एक दो हो गए, टू बी डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये क्या आ गया बच्चे, आपके पास इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर मैं देखूँ यहाँ पे एम सी क्यूज में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो बी बन रहा है। ये था आपके पास सिक्स। अब सेवन, आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जी एस एन शिजाद बोल रहे हैं, आपका क्या क्वेश्चन है जी एस एन, बताएं एस एन बताएं, आपका क्या क्वेश्चन है। नंबर 5 का आंसर बताएं। बेटा फाइव का आपके पास देखें ऑप्शन बी करेक्ट है, ए माइनस के रूट ऑफ टू बी, आपने से कंजुगेट फाइंड करें ना। अब देखें इसके रूट के साथ नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव आ गया, ठीक है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका, क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा फोर का देखें, ये हमने सॉल्व आउट किया था ना। देखिए क्या था, थ्री प्लस के रूट ऑफ टू इंटू थ्री माइनस के रूट ऑफ टू। मैंने एक को सबसे पहले मैंने थ्री लिखा, देन मैंने ये सारी पर वैल्यू लिख दी, देन प्लस टू के रूट ऑफ टू लिखा, फिर मैंने ये वैल्यू लिख दी। दोनों को जब मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सेवन आया। तो इसका जो सेवन था वो बी पार्ट था, वो यानी सॉरी ए पार्ट था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। और बच्चे कोई आपका क्वेश्चन हो, ठीक है बच्चे। नो सर, सर अभी नेट चला गया। अच्छा, तो अब मैं सेवन्थ देखता हूँ। सेवन्थ आपके पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू। बच्चे देखें आपके पास सेवन दिया हुआ है, सेवन पार्ट है इसका आपके पास, ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी किसके आपके पास इक्वल होगा। तो आप इसको लिख सकते हो बच्चे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब देखो बच्चे, ए प्लस बी क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट हो गया, इसका क्या ऑप्शन आ गया, ए माइनस बी क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अगर मैं देखूँ इधर एम सी क्यूज में, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन क्या बन रहा है, डी बन रहा है। देन आपके पास नेक्स्ट एट पार्ट है इसका, स्केयर रूट ऑफ ए प्लस स्केयर रूट ऑफ बी इंटू स्केयर रूट ऑफ ए माइनस स्केयर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू। बच्चे अब आप देखें इसका एट्थ पार्ट बन रहा है आपके पास, स्केयर रूट ऑफ ए प्लस स्केयर रूट ऑफ बी इंटू स्केयर रूट ऑफ ए माइनस स्केयर रूट ऑफ बी। तो देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप इस पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, तो आप फार्मूला अप्लाई कर लें, तो आपके पास क्या होगा, ए स्केयर बच्चे और माइनस बी स्केयर। देखें स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ गया, ए माइनस बी क्या आ गया, आपके पास करेक्ट आंसर बन गया। अगर मैं देखो एमसीक्यूज में, तो इसका सी पार्ट बन रहा है एट का। तो ये थे आपके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो अभी हमने सॉल्व आउट किए। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर टू की जानिब। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपने क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व आउट करनी है। तो चलें हम वो सॉल्व कर लेते हैं, देन हम आगे मूव ऑन होंगे। फर्स्ट है आपके पास द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस थ्री एक्स वाई प्लस वाई क्यूब। तो देखें अगर यहाँ पे स्केयर है, स्केयर है, टू प्लस टू कितना होगा, फोर हो गया। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है बच्चे, डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर मौजूद होती हैं किसी भी एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में। तो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पावर मौजूद है वो टू प्लस टू कितनी है, फोर है। तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, फोर होगी। ये था फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यूज है आपके पास एक्स स्केयर माइनस फोर इज इक्वल टू।
बच्चे देखें आपके पास क्या दिया हुआ है। फिर सेकंड फिलिंग द ब्लैंक आपके पास, जी सुलेमान शाह बोले आपको क्या क्वेश्चन है। जी सुलेमान शाह बताएं, सुलेमान शाह बेटा अपने हाथ ही नीचे कर लिया। बच्चे मैंने अभी आपको म्यूट किया, बोल क्यों नहीं रहे। जी बोलें, सेकेंड है आपके पास इसकी बेटा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, वो किसकी इक्वल होता है। तो आप जो फार्मूला लगा लेते हैं, ये एक्स का स्क्वायर हो गया और माइनस टू का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो आपके पास क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल है एक्स माइनस टू के और एक्स प्लस टू के। तो देखिए बताया मैंने इसका ऑप्शन भी यही लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो बेटा सबसे पहले देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। अगर मैं बच्चे इसको कंपैरिजन करूँ तो आपके पास फार्मूला हमने अभी पीछे पीछे रिसेंटली डिस्कस किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो बिल्कुल सेम इट इज़ फार्मूला, इस पर लगा तो आपके पास क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स स्केयर माइनस वन प्लस वन बाई एक्स स्केयर। बच्चे ये वन तब आया यहाँ पे एक्स था और इधर क्या था, वन बाई एक्स था। तो ये दोनों एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सोल्यूशन क्या रहेगा, वन आ गया, तो इसलिए इस जगह क्या आ गया। तो ये आपके पास इसका करेक्ट फार्मूला बन रहा है। एक फॉर्म तो उसने दी हुई, सेकेंड आपने खुद लिख लेनी है। देन फोर्थ फार्मूला टू इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वो आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर। नेक्स्ट आपके पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी का होल स्केयर, जो आपके पास इक्वल होगा ए स्केयर माइनस बी माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। जी एहसन शहजाद आप बोलें, आपका क्या क्वेश्चन है। जी एहसन सर बोलें, जी ये फोर वाला एक बार फिर बताएं। बेटा ये आपके पास फार्मूला बन रहा है फोर्थ वाला, टू इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, जो कि आपके पास इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्केयर प्लस ए माइनस बी का होल स्केयर, ठीक है। और फिफ्थ आपके पास ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्केयर यानी कि एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्केयर, वो क्या होगा ए स्केयर माइनस टू ए बी। बेटा जब आप ए बी लिखोगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स इंटू वन बाई एक्स होगा, तो ये एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया यहाँ पे टू था बस, तो सिर्फ आपके पास क्या रहेगा माइनस टू रह गया प्लस वन बाई एक्स का होल स्केयर। जी कासिम मवाना आप बोलें, आपको क्या क्वेश्चन है। थर्ड वाला दोबारा बताऊं। बेटा थर्ड आपके पास फार्मूला लग रहा है एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब, या आप अपना माइक म्यूट कर लें। तो आपके पास क्या होगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे वन कैसे है बेटा, ये मैंने अभी आपको ये बात समझाई कि वो एक ऊपर एक्स था एक नीचे एक्स था, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया वन रह गया। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास बच्चे, वन रह गया और प्लस वन बाई एक्स का हो स्केयर रह गया। देन आपके पास पार्ट सिक्स है, ऑर्डर ऑफ अ सोर्स थ्री इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स। तो इसके सोर्स का ऑर्डर क्या है बच्चे, थ्री है। देन आपके पास जब क्वेश्चन नंबर सेवन है, तो आपने वन डिवाइडेड बाई टू माइनस के रूट ऑफ थ्री किसके इक्वल होगा। तो हम इसको रेशनलाइज खुद से कर लेते हैं ताकि आपके पास जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए कि इसका ये ऑप्शन कैसे आया। सेवन है आपके पास वन डिवाइडेड बाई टू माइनस के रूट ऑफ थ्री है, तो क्या है वन डिवाइड बाई टू स्के रूट ऑफ थ्री। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, अब देखें बीच में साइन नेगेटिव के है, तो हम पॉजिटिव के साइन साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो टू प्लस के रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस के रूट ऑफ थ्री। तो नीचे फार्मूला लग गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का नीचे फार्मूला लग गया, तो आपके पास क्या आ गया फोर का स्केयर माइनस थ्री का स्केयर। तो आपके पास ऊपर क्या रह गया, टू प्लस के रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई टू का स्केयर है बेटा, ये फोर का नहीं टू का स्केयर, टू का स्केयर क्या होगा फोर माइनस थ्री। तो आपके पास क्या रह गया, टू प्लस के रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड बाई वन। तो इसका आप देखें करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्या बन रहा है, यही बन रहा है जो मैंने इधर लिखा हुआ, इसको डिवाइड बाई वन लिखें या ना लिखें एक बात है, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास, इफ़ एक्स प्लस, जी एस एन बोले कौन सा बच्चे, क्वेश्चन नंबर सिक्स ऑर्डर ऑफ सॉल्ट सोर्स। बेटा इसका ऑर्डर क्या है, बाहर ऑर्डर के थ्री लिखा हुआ ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके पास थ्री है, इफ़ एक्स प्लस
आपके पास अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फिलिंग्स ब्लैंक एंड हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज गुड कर दिया, बेटा आपके पास थ्री दिया हुआ है। फर्स्ट आपने फाइंड करना है एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर, और सेकेंड क्या फाइंड करना है एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स फोर। तो बेटा देखें सबसे पहले आपके पास ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर थ्री है, क्या दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर क्या करना है फाइंड आउट करना है, और एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो बेटा देखें फर्स्ट पार्ट जो आप अगर आप फाइंड करें एक्स प्लस वन बाई एक्स स्केयर का, तो आप क्या कर लें दोनों साइड बच्चे आप इसका स्केयर ले लें, लिख रहे हैं बेटा टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास थ्री का स्केयर आ गया, देखिए यहाँ पे फार्मूला लग गया ए प्लस बी का होल स्केयर, तो क्या होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी। अब यहाँ पे एक जगह एक्स है बी जगह क्या है वन बाई एक्स है, तो क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स। थ्री का स्केयर क्या होगा बच्चे के पास नाइन होगा, ये टू थ्री टू एक्स एक्स कैंसिल आउट आउट होगा, एक्स स्केयर प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्केयर प्लस टू इज इक्वल टू नाइन। अब देखें टू यहाँ पे नेगेटिव फोर पॉजिटिव फोर जगह क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर इज इक्वल टू नाइन माइनस टू। तो आपके पास एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर क्या आ गया आपके पास बच्चे सेवन आ गया। ये तो आपके पास जो फर्स्ट वाली आपने फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड क्या फाइंड करिए एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर, तो बेटा ये स्केयर है ना, तो आप इसका अगेन स्केयर ले लें, तो आपके पास पावर फोर आ जाएगी। तो ये अगले पेज सॉल्व आउट करवा देता हूँ आपको। तो बेटा आपके पास क्या होगा, तो बेटा आपके पास क्या होगा एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर क्या दिया हुआ है सेवन दिया हुआ है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या आ गया एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर का होल स्केयर इंटू सेवन का होल स्केयर, तो सेवन का होल स्केयर आपके पास क्या होता है फोर्टी नाइन होता है। ये आपके पास क्या हो जाएगा एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर प्लस टू इंटू एक्स स्केयर वन बाई एक्स स्केयर, तो इसके इसके रूट्स कैंसिल आउट हो गया एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर इक्वल टू फोर्टी नाइन माइनस टू। अब यहाँ पे टू पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो गया फोर्टी सेवन, तो एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर क्या आ गया फोर्टी सेवन आ गया। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री। अब बेटा क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास, आपके पास एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या दिया हुआ है टू दिया हुआ है, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर और एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर। तो बेटा सिंपल है आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है, इफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल कर दिया बच्चे आपके पास टू दिया हुआ है, तो आपने इसका फर्स्ट फाइंड आउट करना है एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर, और सेकेंड पार्ट है आपके पास एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर। बच्चे बिल्कुल एज इट इज़ है, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन फाइंड नहीं किया उसमें ए प्लस बी का होल स्केयर लग गया था, और इसमें ए माइनस बी का फर्स्ट स्टेप में फार्मूला लग जाएगा, बाकी एज इट इज़ है। टोटली पिछले क्वेश्चन से 90% यानी कि ए गेस इनके सोल्यूशन यानी कि मैथड है सॉल्व आउट करने के। तो आपके पास क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स है इज इक्वल टू टू है, तो क्या कर लें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स का स्केयर इज इक्वल टू टू का स्केयर, तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्केयर लग गया जो आपके पास इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। अब एक जगह एक्स और बी की जगह क्या है वन बाई एक्स है, तो आपके पास फार्मूला लगेगा एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू का स्केयर क्या हो जाएगा आपके पास फोर हो जाएगा। तो आपके पास क्या लग रहा है एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर माइनस टू एक्स इंटू वन बाई एक्स इज इक्वल टू टू का स्केयर होगा क्या बच्चे फोर हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर माइनस टू इज इक्वल टू क्या होगा फोर। अब यहाँ पे टू नेगेटिव फोर साइड भी जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, आपके पास एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर क्या हो गया फोर प्लस टू, तो एक्स स्केयर प्लस वन बाई एक्स स्केयर क्या आ गया आपके पास सिक्स हो गया। अब आपने एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर फाइंड करना है, तो टेकिंग अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड।
तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स स्केयर स्केयर का होल स्केयर इज इक्वल टू सिक्स का होल स्केयर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर प्लस टू इंटू एक्स स्केयर इंटू वन बाई एक्स स्केयर 36। अब ये से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर टू नेगेटिव फोर जब भी जाकर हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर 36 माइनस टू तो 34 आ गया आपके पास, एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर। ये था बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आज के लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आप लोगों की तरफ आते हैं और आप लोगों का जो जो आपका क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन यानी कि मैं उनका सोल्यूशन आपको देता हूँ, उनका आंसर मैं आपको करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।